ट्रेंच विधि नाल गन्ने दी बिजाई करो। अस्सू महीने दे विच ट्रेंच विधि नाल गन्ना बीज के तुसी ज्यादा झाड़ लै सकदे हो ते इस विच रलवियां फसलां बीज के आमदन च चोखा वाधा कर सकदे हो। राणा शुगर मिल तुहानू दवाईयां ते संद ते ढुकवीं सबसिडी भी दिंदी है ते गन्ने दी जानकारी लई संपर्क करो मनदीप सिंह होरां नाल 80 54 01 82 81 8054018281। अस्सू महीने की गन्ने की बिजाई वधेरे आमदन दिंदी है। पिछले दिनी हाथरस दे विच होए गैंगरेप नूं लैके आम आदमी पार्टी ते विरोधी धिरां दे नेता हरपाल सिंह चीमा जी साडे नाल मौजूद ने, जो कि पिछले बीते कल हाथरस दे विच जाके आए ने। उन्हां नाल गलबात करदे उन्हां ने अज प्रैस कॉन्फ्रेंस भी की है इत्थे चंडीगढ़ दे विच। चीमा साहब बहुत स्वागत है। चीमा साहब, किवें देखदे हो जिहड़ी लड़की नाल इक दर्दनाक घटना वापरी है, तुहाडी टीम उत्थे जाके आई है? कल असीं साडी पंजाब दी टीम ते दिल्ली दी टीम असीं जिहड़ा है हाथरस गए सीगे। बड़ा डर का माहौल, बड़ा गम का माहौल, बड़ा बेरहमी का माहौल उस इलाके बनया हुआ, उस पिंड बनया हुआ, उस परिवार से बनया हुआ। मैं हैरान हाँ कि अज भी उसका परिवार जोड़ा है डर रहा, कंब रहा, कमर च बढ़ रहा। सो उत्थे उसकी माँ, बच्ची की माँ ने मैंने दसिया कि मैं बहुत तरले किए, मैं बहुत मिन्नतां कीतियां कि मेरी बच्ची का अंतम समय मैं चेहरा दिखा दो, मैं उसका सिर्फ चेहरा ही देखना गा। उन बच्ची माँ, बच्ची की माँ चेहरा देखने तो रोकया गया। तुम देखिया ने वीडियो किस तरह सामने आईया ने गियाँ। और सब तो बड़ी गल है कि रामराज की गल करने वाले भी साडा रामराज असीं इस्टैबलिश करांगे, वह रात को 3 बजे बच्ची के शब्द संस्कार कर देणगे। रात को 3 बजे बच्ची के परिवार को कमर च बंद करके उन्होंने उदो बच्ची का जो है खेतर से लैके संस्कार किया जाता है। सो इतों पता लगता कि जी बीजेपी आदि कि घटिया मानसिकता की आ। मखौटा रामराज का पहने है अंदरों बघाड़ ने गए, अंदरों सोसायटी के वो माड़े इंसान ने जो सोसायटी तोड़ना चाहते हैं। कि तुम देखो कि सारे परिवार को घरें बंद करता, 3 बजे संस्कार करता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार अज बेटियां मार रही है। अज 6 साल की बच्ची का बलात्कार हो गया, वो मारी गई। सो लगातार हाथरस के जिथे कि 50 किलोमीटर देरी पुलिस थां थां पर खड़ी है, उत्थे फिर भी बलात्कार हो रहे हैं। तो इतों पता लगता कि बीजेपी की जी योगी तो मोदी साहब की सरकार आ, ये देश को बर्बाद करना चाहती हैं। देश नारा गा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर लेकिन मारिया जा रहा बेटियां। किन्ने केस इन्हें MLA ते बन गए, किन्ने केस इन्हें MP ते बन गए। हैरानी की गल है, कल जाके पता लग्या कि उत्थे दा मौजूदा MP मैंबर पार्लीमेंट जिहड़ा हैगा वो जेल च जाके दोषियों मिल के आउंदा गा, हजे भी बचाउण दीआं गल्लां चल रही नेगी। सो वो बच्ची ने खुद अपनी जान देण तो पहला, खुद इस जगह तो जाने तो पहला उन्हें स्टेटमेंट दी है कि मेरे नाल आ कुछ होया गया, मैंने जिहड़ा है बयान दर्ज कराया गया, फिर भी दोषियों बचाया जा रहा है। सो इतों पता लगता कि बीजेपी जिहड़ी आ वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं, वो बेटी जो है मारते उतरी हुई है। चीमा साहब, जिमें कल संजय सिंह जी भी उत्थे जाके आए ने, उन्होंने उपर की कारण सके भी उत्थे दी कुछ बंदियां वल्लों उन्होंने उत्ते स्याही जिहड़ी छिट्टी गई है? मैं भी उस वफद शामिल सीगा, संजय सिंह जी मेरे तो थोड़ा अगे सीगे, मैं पिछे सीगा। उत्थे बड़ी हैरानी की गल है कि वो व्यक्ति जिहड़ा कि मोदी साहब की कैबिनेट के मंत्रियों के नाल जिहदे संबंध ने, जिहदे योगी साहब नाल संबंध ने, जिहड़े UP की पुलिस नाल जिहदे संबंध ने, क्योंकि ट्विटर अकाउंट उस व्यक्ति का ट्विटर अकाउंट में बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर फॉलो करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन जिहड़ा है फॉलो करते हैं। कौन ने सारे, वो BJP देने की। सो वो BJP का एक बहुत बड़ा गुंडा सीगा। उस गुंडे ने कोशिश की साडे जिहड़ा मैंबर पार्लीमेंट ने संजय सिंह डिफेम करन दी, पर लेकिन असीं अजिहे हमलों तो बिल्कुल नहीं डटांगे। आम आदमी पार्टी डट के परिवार नाल खड़ी है, जब तक इंसाफ नहीं मिलता आम आदमी पार्टी उस परिवार का साथ देगी। उस जिहड़ी बच्ची है साडी, जिहड़ी साडे देश की बच्ची है, उन्हें इंसाफ दवा के रहेंगे, उस परिवार को इंसाफ दवा के दहेंगे। इस तरह के गिदड़ भपकियां, इस तरह के सियाइयां सूइयां, इस तरह के हमलों तो आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। चीमा साहब, एक गल होर सामने आई सी कि मतलब जो तुहाडी पार्टी उत्थे गई सी आम आदमी पार्टी, तो उत्थे दी पुलिस की कारगुजारी नूं तुसीं कीवें देखदे हो? तुहानूं उहनां दे घर सरकारी गड्डियां चली जाया गया? देखो, सानू बहुत दूर 15 किलोमीटर उस घर दे तो उस बच्चे दे घर दे कोई रोकया गया, सानू कहा गया असीं सरकारी गड्डियां च लैके जावांगे। असीं बिल्कुल उहनां दी गल मन्नी, असीं कहा ठीक है सानू सरकारी गड्डियां च लै जाओ। साडियां गड्डियां बहुत दूर खड़ा दित्तियां गईआं, साडी सिक्योरिटी मैन बहुत दूर खड़ा दित्ते गए, सानू लैके गए। जदों असीं मुड़ के आए वापस तो उस समय जिहड़ा हैगा संजय सिंह ते हमला करवाया गया। सो इतों पता लगता कि UP की जिहड़ी पुलिस आ उहने खुद योगी साहब ने हमला करवाया गया। योगी साहब जिहड़े हैगे ने कैर हो चुके हैं कि वो डर चुके हैं कि वो आम लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते। इसे गल करके उस उन्हां दी घटिया ते गंदी मानसिकता जिहड़ी सामने आई जाएगी। तुसीं की मंग करदे हो वी इन्हां दी जिहड़ी इनकुआयरी है, इस केस की जांच कित्थों होनी चाहिए? देखो, आम आदमी पार्टी मंग करती है कि CBI जाँच करे, उस जाँच की निगरानी जिहड़ा
देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का जज मौजूदा जज करे और एक महीने जांच पूरी होनी चाहिए है और इस केस का ट्रायल जिहड़ा हैगा वो यूपी उत्तर प्रदेश तो बाहर होना चाहिए क्योंकि हुण तक जिन्ने ट्रायल होए नेगे चाहे वह कुलदीप सिंगर वाला केस है या होर केस नेगे सारे के केसों के विक्टमा जिहड़ा हैगा किसी ना किसी तरीके पीड़ित किया जाता किसी ना किसी तरीके उनके परिवार को मारा जाता है उन्होंने बर्बाद किया जाता है। सो उस परिवार को जिहड़ा हैगा देश का प्रधानमंत्री उदो जिहड़ा हैगा सुरक्षा जिहड़ा 22 प्लस सुरक्षा होंदी है उस परिवार को परिवार होनी चाहिए देनी चाहिए है और ट्रायल जिहड़ा हैगा 3 महीने च मुकम्मल होना चाहिए। सो इस सन विरोधी पार्टियां दे नेता हरपाल सिंह चीमा जी जिन्होंने मांग की है कि मनीषा ना होई जिहड़ी दरिंदगी हुई है उसकी CBI जांच होनी चाहिए है। सो कैमरामैन रवि दे नाल हरजीत मठाड़ू रेडियो पंजाब टुडे चंडीगढ़।